शहर में बढ़ते कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए तथा नागरिकों की कोरोना जांच करने के लिए दिघोरी समाज भवन हेल्थ सेंटर की ओर से काफी कामकाज अच्छे से किया जा रहा है। इस सेंटर में अब तक हजारों लोगों ने अपनी कोरोना जांच करवाई है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी का संक्रमण अभी भी रुका नहीं है। प्रतिदिन शहर से सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वुहान से आए कोरोना ने पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया है। कोरोना की रोकथाम करने के लिए शहर भर में कई कोरोना सेंटर्स खोले गए हैं। उन्हीं में से एक दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाली दिघोरी समाज भवन हेल्थ सेंटर में प्रतिदिन अलग अलग परिसर के कई छोटे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट इसी हेल्थ सेंटर में मुफ्त में करा रहे हैं। तारीख 9 सितंबर से शुरू हुए इस हेल्थ सेंटर में प्रतिदिन पहली रैपिड एंटीजन और दूसरी आरटीपीसीआर टेस्ट की जाती है। 2 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक 3,224 कोरोना पेशेंट की जांच की गई है, जिसमें से 2,748 पेशेंट नेगेटिव आए हैं। मात्र 466 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। दिघोरी समाज भवन हेल्थ सेंटर में डॉक्टर मयूर गावंडे इनके साथ साथ पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। कोरोना जांच करने से पहले पीपी किट पहन रहे ये है डॉक्टर मयूर गावंडे। मयूर गावंडे वैद्यकीय अधिकारी है, साथ ही स्वर्गीय दादा साहेब कारमेघी अस्पताल में सहायक प्राध्यापक भी है। डॉक्टर मयूर गावंडे इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कोरोना कार्यकाल में अच्छा काम कर रहे हैं। जांच के बाद पेशेंट का हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें विशेष मार्गदर्शन करते हैं। दिघोरी समाज भवन हेल्थ सेंटर में डॉक्टर मयूर गावंडे और मनपा के सभापति पिंटू झलके द्वारा किए जा रहे कामों की नागरिक सराहना कर रहे हैं। अच्छा योगदान इन लोगों का नागरिकों का हो रहा है। इस बारे में जब एनबीसीएन टीम ने सभापति पिंटू झलके एवं डॉक्टर मयूर गावंडे से बातचीत की तो उन्होंने जानकारी दी। बाइट प्लस पीटूसी। वुहान से आया ये कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी है। पिछले मार्च माह से लेके अब तक के ये नवंबर का माह शुरू है। इतने में कई ऐसे भारत के साथ साथ कई राज्यों के साथ साथ कई शहरों में कई नागरिक पॉजिटिव कोविड से पाए गए हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम करना कैसे, एक बड़ा ये जटिल सवाल सरकार के सामने में था। ऐसे में कुछ प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा ये बात निकाली गई कि ऐसे नागरिकों की जाँच होना चाहिए। इसके लिए फिर हर परिसर में एक कोविड सेंटर बनाया गया, जिसके चलते निशुल्क तरीके से लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज हम दिघोरी के अंतर्गत आने वाले समाज भवन में, जहां पे सभापति पिंटू झलके इनके मार्गदर्शन में ये कोविड का सेंटर खड़ा किया गया है, और यहां पे तकरीबन रोज़ाना सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग आते हैं, अपने कोविड का इलाज करवाते हैं। आइए और क्या क्या बातें होती है हमारे साथ इस समय में सभापति पिंटू झलके हैं, इनसे बात करेंगे। झलके साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज ये सेंटर जो निकला गया है, इसका कितना फायदा लोगों को होने जा रहा है? ज्या पद्धतिन कोविडचा प्रादुर्भाव या शहरात वाढला आणि कोविडच्या या आजारामुळे अनेक लोक या दुर्धर आजारामुळे मृत्युमुखी पडले, आणि त्यावेळी प्रशासनाच्या माध्यमातून आम्ही ठरवलं की आपल्या भागातल्या सर्व नागरिकांना सोयीचं होईल म्हणून हे केंद्र इथे उभं करायचं। हे केंद्र उभं केलं आणि हे केंद्र उभं केल्यानंतर अनेक नागरिकांना या केंद्राचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला। दररोज साधारणतः एक वेळ तर आम्ही अशी झाली की आम्ही एका दिवशी 150-200 लोकांचंसुद्धा आम्ही टेस्टिंग केलं। अनेक लोकांना या केंद्रामुळे फायदा झाला, अनेक लोकांना तात्काळ रिपोर्ट मिळाल्यामुळे त्यांना योग्य उपचार मिळाले, अनेक लोकांचे प्राण वाचवता आले। खऱ्या अर्थाने हेच एक समाधान आमच्या सर्वांसाठी आहे। तो किस प्रकार का कामकाज हुआ, इसके बारे में पिंटू झलके इन्होंने जानकारी दी। अब हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर मयूर गावंडे है, जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक के, और उनकी पूरी टीम कामकाज कर रही है। गावंडे साहब, ये बताएं कि जब से ये कोरोना का कामकाज जो शुरू हुआ है, जहाँ टेस्टिंग की बात आती है, अब तक के कितने ऐसे पॉजिटिव पाए गए, कितने संक्रमित मिले और कितने निगेटिव मिले, और क्या उम्र होती है जब आप यहाँ जो पेशेंट आते हैं, क्या कहना चाहोगे, पूरी जानकारी दीजिए। जी, सितंबर महीने से ये सेंटर जो चालू हुआ है, यहाँ पे अब तक 3,500 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, उसमें से कम 450 या 500 के बीच पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। उसमें बूढ़ों से लेके, बच्चों से लेके, छोटे पेशेंट और उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी हम पेशेंट की जांच करते हैं। इसमें सारी जो दक्षिण नागपुर के जो पेशेंट है, उसमें से रिलेटेड जो भी जांच में पेशेंट आते हैं, सबका हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें दो प्रकार के टेस्ट किए जाती है, उसमें
रैपिड एंटीजन टेस्ट आती है और एक RT-PCR टेस्ट आती है। एंटीजन में जो भी पेशेंट पॉजिटिव पाते हैं हम उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए एक RT-PCR भी टेस्ट करवाते हैं, और जो भी पेशेंट को हम जितना स्क्रीन कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम पेशेंट को एक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट को रेफर कर रहे हैं ताकि सभी पेशेंट को ये महामारी से छुटकारा पा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मयूर गावंडे है। कोरोना इस महामारी से यदि निपटना हो तो सबने सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये बार बार कहा जाता है, मगर उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी एक कारण हो सकता है कि कोविड के पेशेंट में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिस तरह से आज सभापति पिंटू झल के द्वारा ये जो कामकाज किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले तमाम ऐसे परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब तक के जब से ये सेंटर शुरू हुआ है 3,500 के आसपास लोगों ने अपने ट्रीटमेंट करवा लिया है और कई लोग अच्छे भी होके घर चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे कहते हैं। अगर हमने अपने स्वास्थ्य की जांच करना हो, अपने कोविड की जांच करना हो, तो उसमें कतई हिचकिचाए नहीं। अगर किसी को कोई ऐसा मिलता है तो उसको जरूर इस सेंटर में लाना और अपना जीवन अच्छा करना। कहने का तात्पर्य कि कोरोना की जांच करना और कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव को रोका जा सकता है, बशर्ते शहर के नागरिकों ने भी इसका सहयोग करना चाहिए। इस कोविड सेंटर से कैमरा पर्सन समाज भवन कोविड सेंटर से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।